for the sky. क्या एक ड्रग एडिक्टेड माँ अपने बच्चों को संभालने के लायक है? ड्रग एडिक्शन से जूझ रही माँ में भी क्या इतनी ही ममता होती है कि वो अपने बच्चे के लिए किसी भी हद तक चली जाए? उसे बचाने के लिए वो अपनी जान को भी दांव पर लगा दें? तो आज की कहानी में हम यही देखेंगे। नेस्का एक टीनेज ड्रग एडिक्ट लड़की है और अपनी टीनेज की उम्र में ही वो बुरे लोगों की संगत में आकर रास्ता भटक गई थी और उसे ड्रग की लत भी लग गई थी। इतना ही काफी नहीं था कि वो गलती से प्रेग्नेंट भी हो जाती है। इस टीनेज की उम्र में उस बच्चे का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था। किसी की भी मदद के बिना वो खुद ही अपने बच्चे की डिलीवरी भी करती है। डिलीवरी के दर्द से भी वो अकेले ही जूझ रही थी। अपने बच्चे को लेकर उसे कैसा महसूस करना चाहिए उसे ये तक पता नहीं था, लेकिन वो फिर भी बेबी की देखभाल कर रही थी। पर वो खुद के ड्रग की आदत को भी नहीं छोड़ा पाई थी। वो अपने छोटे बच्चे को अकेला छोड़कर कभी कभी नशे का सामान भी लेने जाती थी। उसे खुद नहीं पता था कि वो अपने जीवन के साथ में क्या कर रही है। अपने घर का भाड़ा भी उसने कई महीनों से नहीं भरा था और उसका घर भी काफी गंदा था। नॉर्मल माँ अपने बच्चे के लिए घर का एक एक कोना साफ सुथरा रखती है, लेकिन नेस्का उनमें से नहीं थी। नेस्का पहले एक बेले डांसर थी, लेकिन ड्रग की लत से उसे सब कुछ छीन गया। नशे की लत तो यहाँ तक आ गई थी कि उसने अपनी चीजों को बेचकर ड्रग खरीदना शुरू कर दिया था, लेकिन हर जगह ऐसा नहीं होता था। कहीं कहीं पर तो उसे मारा पीटा भी जाता था। नेस्का अपने पेरेंट को भी याद करती है कि अगर वो अपने पेरेंट के साथ होती तो उसकी लाइफ बहुत ज्यादा आसान हो जाती। अब एक दिन घर की मालकिन नेस्का को बहुत बुरी हालत में देखती है और बेबी की हालत उसे देखी नहीं जा रही थी। वो नेस्का के हाथ में एक फोन नंबर लिखकर चली जाती है। नेस्का भी इस बेबी से थक चुकी थी और उसकी ये उम्र थी ही नहीं कि वो इस बच्चे को संभाल ले। बेबी के हर समय रोने की आवाज उसे बहुत ज्यादा तंग करती थी। नेस्का फिर उस नंबर पर कॉल लगाती है और वो इमाकुमा नाम की एक औरत का नंबर था। दोनों मिलने का डिसाइड करते हैं और इमाकुमा चाइल्ड ट्रैफिकिंग का काम करती थी। जिनको अपने बच्चों की जरूरत नहीं होती थी वो उनसे बच्चा खरीद कर उसे डबल दाम में जरूरतमंद लोगों को बच्चा बेच दिया करती थी, खास करके अमीरों को जिनको अपनी संपत्ति के लिए बेबी की ज्यादा जरूरत होती है और उनसे बच्चों की काफी अच्छी कीमत भी मिलती है। इमाकुमा के पास में अल्बिना नाम की एक लड़की आती है जो कि उसका हर काम करती है, और एक नेस्काटोवा नाम की लड़की है जिसे किसी ने नहीं खरीदा था क्योंकि उसके पैरों में प्रॉब्लम थी, तो वो भी इमाकुमा के साथ ही रहा करती है। अब अगले दिन नेस्का इमाकुमा की बताई जगह पर अपने बच्चे को लेकर उससे मिलने जाती है। अल्बिनो भी वहीं पर मौजूद थी और नेस्का को देखकर ही इमाकुमा को समझ आ जाता है कि वो नशे की लत में है। वो नेस्का को कुछ पैसे देती है और नेस्का अपने बेबी को इमाकुमा को सौंप देती है। अपने बेबी को दूसरों के हाथों में देखकर उसे बहुत अजीब महसूस हो रहा था और बेबी भी अपनी माँ से अलग होकर काफी ज्यादा रोता है। बेबी के रोने की आवाज से नेस्का का दिल भी रो रहा था, लेकिन फिर भी वो अपनी जगह लौट आती है और उन्हीं पैसों से ड्रग खरीदने जाती है। वो उन पैसों से घर का रेंट भरती है और कभी कभी बेल करके वो खुश रहने की कोशिश भी करती है, लेकिन फिर भी उसे कुछ अकेलापन महसूस हो रहा था। बेबी से उससे पहले परेशानी होती थी, लेकिन अब बेबी की आवाज सुनने के लिए वो तरस रही थी। उसके घर की एक एक चीज में उसे बेबी की याद आ रही थी और फाइनली उसे अपनी माँ की ममता महसूस होती है, लेकिन उसे इमाकुमा का नंबर याद नहीं था। बचे हुए पैसे लेकर वो फिर से उसी जगह पर जाती है जहाँ पर उसने बेबी को इमाकुमा को सौंपा था, लेकिन उसे उस जगह पर कोई नहीं दिखता है। वो आगे बढ़ती है और वहीं पर एक जगह पर बैठ जाती है और अपने बेबी को याद करती है। फिर वो पास की ही नदी में जाकर अपनी जान देने की कोशिश भी करती है, लेकिन बेबी के बारे में सोचकर वो पानी से वापस निकल आती है। उसे एक बास्केट दिखता है जो कि इमाकुमा का था और उसे पता चल जाता है कि इमाकुमा का घर आसपास ही है। वो उन सारी जगहों को ढूंढने लगती है और उसे साइकिल की आवाज़ सुनाई देती है। उस आवाज का पीछा करके वो एक घर तक पहुंच जाती है और वहां पर उसे अल्बिना दिखाई देती है। नेस्का उसका पीछा करती है और कुछ ही देर के बाद जंगलों से घिरा हुआ उसे एक घर नजर आता है। वो उस घर के पास जाती है और नेस्का दरवाजे पर नॉक करने ही वाली थी, तभी उसे अंदर से अल्बिना के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है, तो वो चुप हो जाती है। वो देखती है कि इमाकुमा किसी बात से अल्बिना को मार रही है और ये देखकर नेस्का शॉक्ड थी। उसे अपने बच्चे की और ज्यादा फिक्र होने लगी थी। कुछ देर के बाद खिड़की में देखने पर उसे अपना बेबी नजर आता है, लेकिन इमाकुमा की वजह से वो अंदर नहीं जा पाती। वो छुपकर ही सभी को नोटिस करने लगती है। इमाकुमा को भी पता चल चुका था कि नेस्का उसे छुपकर देख रही है। देर रात को फिर वो घर में एंटर करके बेबी को ढूंढने लगती है। उसे अपना बेबी मिल भी जाता है और वो बेबी को गोद में लेकर दूध पिलाने लगती है। फिर वो बाकी सभी को सोता हुआ देखकर उस बेबी को लेकर बाहर निकलने वाली थी कि तभी उसके हाथ से एक चीज गिर जाती है और उसकी आवाज से
वे सभी नींद से उठ गए थे। वो बेबी को वापस पहले की जगह पर रखकर एक बेड के नीचे छुप जाती है और सुबह भी वो वहीं पर छुपी हुई थी। वो देखते है कि उसका बेबी किसी और के हाथ से दूध नहीं पी रहा है। निस्कटवा को अल्बिना अपने बच्चे जैसा ही प्यार करती थी। उसके मन मुताबिक ही उसे सभी चीजें दी जाती थी। इमा कुमार जब सो रही थी तो निस्का अपने बेड से निकलकर अपने बेबी के पास आती है और उसके बेबी के रोने की आवाज से इमा कुमार जागने ही वाली थी, लेकिन बाहर अल्बिना की आवाज सुनकर वो बाहर चली जाती है। उसी मौके का फायदा उठाकर निस्का बेबी को पहले की जगह पर छोड़कर फिर से छुप जाती है। निस्का को भी पता था कि दो दिन में इमा कुमार उसके बेबी को किसी और को डिलीवर कर देगी। और इधर अल्बिनो के बार पर कोशिश करने पर भी बेबी उसके हाथ से दूध नहीं पी रहा था। इस बात से वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है, लेकिन इमा कुमार के डर से वो वहां से चली जाती है। कुछ देर के बाद में निस्का अपने बेबी के पास में आती है, लेकिन गलती से बेबी की चीज उससे वहीं गिर जाती है। उसकी तरफ कोई आ रहा था तो वो उस चीज को उठा नहीं पाती है और वो सीढ़ियों से ऊपर के रूम की तरफ जाती है, लेकिन उसके पीछे कोई आ रहा था और वहां से बाहर जाने का कोई रास्ता भी नहीं था, तो वो एक दीवार के पीछे छुप जाती है। कुछ देर के बाद में वो वहां पर देखती है तो वहां पर कोई नहीं था और वो नीचे आकर छुप जाती है। वो देखती है कि निस्का टोआ उसके बेबी को गोद में उठा रही थी। वो निस्का की तरफ कुछ समय ऐसे देख रही थी जैसे वो जानती हो कि निस्का कहां पर छुपी है, लेकिन कुछ ही देर में वो वहां से चली जाती है। बाकी सब जब खाना खा रहे थे तो वो बेबी को उठाकर दूसरे रूम में लाती है और वहां से खिड़की से वो भागने वाली थी, लेकिन एक मकड़ी से डर के वो निकल नहीं पाती है और वापस रूम में ही गिर जाती है। उसके गिरने की आवाज बाहर बाकी सभी लोगों को सुनाई देती है, तो निस्का बेबी को पहले की जगह पर छोड़कर फिर से छुप जाती है। अल्बिना भी वहीं पर चेक करने आई थी, लेकिन उसे कोई नजर नहीं आता है तो वो चली जाती है। भूखी प्यासी निस्का अपने बच्चे के लिए उसी जगह पर रुकी हुई थी और उसे बार बार उल्टियां भी आ रही थी। वो देखती है कि इमा कुमार किसी के फोन कॉल से बहुत ज्यादा परेशान थी और आज ही उसके बेबी की डिलीवरी करने का समय था। प्यास की वजह से निस्का पास के एक रूम में जाकर शराब पी लेती है और अल्बिना को आता देखकर दूसरे रूम में चली जाती है। कुछ देर के बाद में इमा कुमार निस्का के बेबी को वापस घर ले आई थी क्योंकि शायद उसका बेबी बिका नहीं था। अब फिर वो तीनों रेडी होकर एक कब्रिस्तान में जाते हैं जहाँ पर इमा कुमार के रियल बेटे की कब्र थी। घर पर इस समय कोई नहीं था और भागने का अच्छा मौका था निस्का के पास में। वो बच्चे को लेकर बाहर जा ही रही थी और तभी वो नोटिस करती है कि वो बेबी उसका नहीं है, तो इसीलिए वो उनके आने से पहले बच्चों को पहले की जगह पर रखकर छुप जाती है। अपनी सेफ्टी के लिए वो एक चाकू भी अपने साथ में रखकर लाती है और दूसरे रूम में अपने बेबी को ढूंढती है। उसे बाहर जाने का एक दूसरा रास्ता भी मिल चुका था और तभी निस्का को अपना बेबी एक बॉक्स के अंदर मिलता है, लेकिन उसका बेबी मर चुका था। क्लाइंट ने बेबी को नहीं खरीदा था और इसीलिए उन लोगों ने बेबी को बर्फ में डालकर बॉक्स में बंद कर दिया था। निस्का अपने बेबी की मौत से बहुत रोती है और उस घर से निकलकर वापस जाने लगती है। रास्ते में उसे अल्बिना दिखाई देती है जो कि क्लाइंट से बातें करने आई थी। उन सब चीजों को इग्नोर करके निस्का बस में बैठकर वापस आने लगती है, लेकिन उसे अपने बेबी की याद आ रही थी। उसने कभी भी अपना दूध अपने बेबी को नहीं पिलाया था और इसी बात से वो और भी ज्यादा तड़प रही थी। वो आधे रास्ते में ही बस से उतर जाती है। वो वापस उसी घर की तरफ आती है और वो घर के अंदर घुस जाती है। किचन से वो कुछ फ्रूट चुरा लेती है, लेकिन यहाँ पर इमा कुमार को घर पर किसी के होने का एहसास हो रहा था तो वो चाकू लेकर उसी रूम में जाती है, लेकिन तब निस्का एक अलमारी के पीछे छुपी हुई थी जहाँ पर उसे कील चुभती है, लेकिन वो उस दर्द को सहन लेकर चुप रहती है। फिर किसी के नजर न आने पर इमा कुमार भी वहां से चली गई थी। अब दूसरा बच्चा भूख की वजह से बहुत रो रहा था। निस्का भी तो एक माँ ही थी, वो उस बेबी को अपना दूध पिलाने लगती है। निस्का को भी ममता का असल मतलब अब समझ में आया था और अब वो उस बेबी को उनके हाथों मरने नहीं दे सकती थी, तो इसीलिए वो बेबी को बांधने वाली रस्सियों को काटने लगती है। फिर वो अपने बेबी की आखिरी निशानी ढूंढ ही रही थी कि तभी वहां पर निस्का टोआ आती है जिसके पास में उसके बेबी की आखिरी निशानी थी। वो निस्का टोआ से रिक्वेस्ट करती है कि वो इमा कुमार से कुछ ना कहे और अचानक निस्का टोआ का फर्स्ट पीरियड शुरू हो जाता है और वो इस वजह से बहुत ज्यादा शॉक्ड में थी। इस मौके का फायदा उठाकर निस्का वहां से दूसरा बेबी उठाकर एक रूम की खिड़की से जंप लगा देती है। अगर वो उस दिन सही समय पर अपने बेबी को लेकर वहां से भाग जाती तो आज उसका बेबी भी जिंदा होता। उस बेबी को उठाकर वो भागी रही थी, लेकिन उसी समय इमा कुमार उसे गोली मार देती है और गोली उसके पैर में जा लगती है। इमा कुमार उसके पास में आकर उसे बुरी तरह से मारने लगती है और उसे खींचकर रूम के अंदर लेकर आती है, लेकिन सही समय पर एक चूहे से इमा कुमार डर जाती है और इस मौके का फायदा उठाकर निस्का उसके गन उठाकर यहाँ वहाँ शूट करने लगती है। इमा कुमार मरने का नाटक करती है
वो नेस्का के उसके पास जाते ही वो एक कांच के टुकड़े से उस पर हमला कर देती है। फिर नेस्का टोवा एक कैंची लेकर उसी के पास आती है, लेकिन तब तक गन अपने हाथ में लेकर नेस्का दोनों को कंट्रोल कर चुकी थी। फिर वो अपने बच्चे की निशानी नेस्का टोवा से लेकर वो उस दूसरे बच्चे को लेकर वहां से भागने वाली थी, लेकिन दूर से अल्बिना की साइकिल की आवाज वो सुन लेती है और फिर भी वो बेबी को लेकर भागती है, क्योंकि उसे पता था कि अल्बिना से नेस्का बचकर कहीं नहीं निकल सकती है। रास्ते में अल्बिना उसे मिलती है और गन दिखाकर उसकी साइकिल लेकर अपने रास्ते जाने लगती है। अल्बिना फिर भी उसका पीछा नहीं छोड़ती है और गोली की चोट की वजह से वो अपनी साइकिल को तेज नहीं चला पा रही थी, लेकिन फिर भी पूरी कोशिश करने के बाद भी वहां से भागकर वो उस बच्चे को छुपाकर अल्बिना को मारने के लिए छुप जाती है। लेकिन वापस आकर उसे बेबी उस जगह पर नहीं मिलता है और बहुत ढूंढने के बाद बेबी उसे एक झूले में मिलता है जिसको अल्बिना ने ही वहीं पर रखा हुआ था। नेस्का उसके पास आती है और उसी समय पीछे से आकर अल्बिना उसके सर पर वार करती है और एक गोली भी उसे मारती है जो कि उसके कान के पास से छुकर निकलती है। अब गन में गोली भी नहीं थी तो नेस्का अल्बिना पर हमला करती है और दोनों के बीच में घमासान लड़ाई हो रही थी। नेस्का अल्बिना को मारने वाली थी, लेकिन अल्बिना अपनी जान की भीख उससे मांग रही थी। नेस्का उसे छोड़कर बेबी को गले लगाकर थकान की वजह से वहीं पर गिर जाती है और कुछ समय के बाद में एक घोड़ा वहां पर आता है। उस घोड़े पर बैठकर नेस्का उस बेबी को अपने साथ में लेकर मुस्कुराते हुए आगे बढ़ती है। इस मूवी में एक माँ की ममता को दिखाया गया है। नेस्का भले ही एक ड्रग एडिक्ट थी, लेकिन वो अपने बच्चे के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। माँ की ममता का एहसास होने के बाद में नेस्का को जरा भी अपने ड्रग की याद नहीं आई, मतलब कि बेबी की चिंता और प्यार से वो अपने ड्रग एडिक्शन को भूल गई थी। अपने खुद के बच्चे की मौत के बाद में उसने दूसरे बच्चे को अपना लिया। असल माँ वही होती है जो कि खून के रिश्तों में फर्क न करके हर बेबी के लिए खुद को माँ समझे, और इसीलिए मूवी के एंड में खुद का बेबी न होने के बाद भी नेस्का के फेस पर एक मुस्कान थी। इस मूवी में कमाल की बात यह है कि पूरी फिल्म में एक भी डायलॉग नहीं है और ये पूरी मूवी गेट टोपी पर बेस्ड है, लेकिन फिर भी मूवी में बिना डायलॉग के माँ के दर्द और प्यार को बहुत अच्छे से दिखाया गया है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आने वाला हूँ।